हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वायरल पूरा। आज मैं बताऊँ कैसे माइक्रोसॉफ्ट टीम को यूज़ करते हैं। अगर मान लीजिए अगर आप टीचर हैं, टीचिंग करते हैं या फिर स्टूडेंट हैं, अगर आप देखिए लॉकडाउन चल रहा है तो आप चाहते हैं घर बैठे 150 जितने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो आप ऐसा आसानी से कर सकते हैं। इस ऐप की मदद से आप 150 जितने लोगों को पढ़ाना चाहें तो पढ़ा सकते हैं। अगर आप मीटिंग करते हैं तो मीटिंग भी कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें मैं करके दिखाऊँ, मीटिंग का भी बताऊँ कैसे करते हैं। अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को क्या करना है, टीचर है तो टीचर को क्या करना है, तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो पूरा देखना, वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, प्ले स्टोर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, तो ये सर्च कर लीजिएगा। सर्च करने के बाद आपको ओपन पे क्लिक करना है। ओपन पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपका ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद देखिए कुछ ऐसा आएगा। अब यहाँ से दो ऑप्शन मिलता है, साइन इन करने का या साइन अप फॉर फ्री। अगर आपने पहले यूज नहीं कर रहा है तो आप साइन अप करेंगे, तो चलिए यहाँ पे साइन अप पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपका ब्राउजर का करेगा, तो यहाँ से आप कर दीजिएगा। अब यहाँ से ओपन हो जाएगा तो कुछ सेकंड का टाइम लेगा, तो टाइम लेने के बाद देखिए यहाँ पे ऐसा आ चुका है। अब आपको क्या करना है, आपने ईमेल एड्रेस डालना है जो आपने यूज पहली बार कर रहे हो। तो चलिए एक ईमेल एड्रेस को डाल लेते हैं जल्दी से। अब ये देखिए ईमेल एड्रेस डालने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। तो नेक्स्ट पे आप क्लिक कर देंगे तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ऐसा ऑप्शन आएगा, फॉर स्कूल, फॉर फ्रेंड्स एंड फैमिली, फॉर वर्क। अब यहाँ पे स्कूल वाले पे करेंगे आप तो क्या होगा, आपसे माइक्रोसॉफ्ट 365 है उसका ईमेल एड्रेस मांगता है जो स्कूल की तरफ से प्रोवाइड किया गया है, तो इस पर आपको क्लिक नहीं करना। अगर आप टीचर हैं या फिर टीचिंग करते हैं या फिर स्टूडेंट हैं तो आपको क्या करना है, फॉर वर्क पे करना है। या फिर अगर आपको कोई मीटिंग लेनी है, मीटिंग ज्वाइन करनी है तो भी आपको फॉर वर्क पे क्लिक कर दीजिए। अगर फैमिली फ्रेंड के साथ ज्वाइन करना है तो आप इस पर कर सकते हैं। तो चलिए फॉर वर्क पे हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे क्लिक करना होता है, यहाँ पे नेक्स्ट पूछेगा तो नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देंगे। तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ सेकंड का टाइम लेगा। अब यहाँ पे लिखा आएगा क्रिएट अकाउंट, तो आपको यहाँ से क्रिएट अकाउंट को क्रिएट करना है अगर ऑलरेडी अकाउंट नहीं है। तो चलिए हम क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा आ जाएगा, मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊँगा। तो अब ये देखिए ईमेल एड्रेस आ चुका है। अब यहाँ से कह रहे पासवर्ड डालो, तो पासवर्ड यहाँ से आपको क्रिएट करना है। तो चलिए पासवर्ड क्रिएट कर देते हैं। तो पासवर्ड आपको कैसा क्रिएट करना है ऐसा बता देता हूँ आपको। पहले तो आपको देखिए यहाँ पे क्या करना है, जैसे वर्ड है यहाँ पे अल्फाबेट है इनको डालना है, साथ में आपको ये नंबर्स को भी डालना है। तो दोनों चीज़ों का कम्बिनेशन डालिएगा तभी पासवर्ड बनेगा इसका। तो चलिए मैं डाल करके दिखा देता हूँ आपको। अब देखिए पासवर्ड डाल दिया आपने तो क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए कह रहे वेरीफाई ईमेल। अब यहाँ से ईमेल्स को आपको वेरीफाई करना होगा। अब यहाँ से आपके ईमेल ऐप पे एक इस पे मेल आया होगा तो उसको आपको यहाँ पे डालना है। तो चलिए सबसे पहले ईमेल आया है तो उसको यहाँ से अकाउंट जो कोड है उसको डाल देते हैं। अब देखिए जो कोड आया है उसको कोड को मैंने डाल दिया। अब यहाँ से डालने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे टिक चेक ऑन कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए कुछ ऐसा आएगा। अब यहाँ से कह रहा है कैप्चा भरने का, तो सबसे पहले हम इसको कैप्चा को भर लेंगे। तो यहाँ से ध्यान से आपको भर लेना है। अब देखिए आपने कैप्चा भर लिया तो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे फिर कुछ सेकंड का वेट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, दल यहाँ से आपको पहला नाम और यहाँ पे सरनेम भरना है। उसके बाद यहाँ से कंपनी का नेम भरना है, बता दूंगा क्या भरना है आपको। तो चलिए यहाँ पे नाम भर देता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट नेम भर दिया, यहाँ पे सरनेम भर देंगे मेहता, जैसे मान लीजिए हिमांशु मेहता। तो आपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भर दिया। अब कंपनी के नाम में आप कुछ भी भर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप किसी नाम से खास जाना चाहते हैं, तो जैसे मैं भर देता हूँ वायरल, VIRAL वायरलपुर में भर देता हूँ अपने चैनल का नाम। आप कुछ भी भर सकते हैं XYZ। अब यहाँ से अपना कंट्री का नाम जहाँ पे रह रहे हैं वही भरिएगा, इंडिया में रह रहे हैं तो यही कर दीजिएगा। अब यहाँ सेटअप टीम्स, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ सेकंड का वेट करना है, यहाँ से अकाउंट आपका क्रिएट हो रहा है। अब ये देखिए साइन इन हो रहा है, आपको कुछ सेकंड का वेट करना होगा, आपका नेट स्पीड पर डिपेंड करेगा ये। यहाँ से लिखा रहा है ऑलरेडी हैव द ऐप, तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ओपन इट पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे ओपन इट पे क्लिक करेंगे तो वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, ए हैप्पियर प्लेस फॉर टीम्स टू वर्क टुगेदर। ईमेल एड्रेस या फ़ोन नंबर मांग रहा है साइन इन करने के लिए, तो चलिए ईमेल एड्रेस डाल देते हैं। अब यहाँ से वापस उसी ईमेल एड्रेस को डाल देना है जिससे आपने अभी अकाउंट क्रिएट करा है, और यहाँ से साइन इन पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ से लोडिंग हो रहा है, कुछ सेकेंड का टाइम लगेगा। अब देखिए यहाँ से जो आपने क्रिएट करा आप उसका पासवर्ड डाल दीजिए, जो आपने पासवर्ड क्रिएट करा था वही पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है। अब आपने इतना कर दिया तो पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे साइन इन पे हम क्लिक कर देंगे।
देखिए कुछ सेकंड का टाइम लेगा। आप देखिए आपका काम पूरा हो चुका है, अभी आपका अकाउंट ओपन हो चुका है। अब देखिए जो मैंने बताया ना, अगर आप टीचर हैं या फिर स्टूडेंट हैं, जो मैंने अभी करके दिखाया दोनों को करना है। आप टीचर हैं तो वही काम करेंगे जो अभी मैंने किया, अगर आप स्टूडेंट हैं तो वही काम करना, अगर आपको मीटिंग कर लेना है तो वही काम करना। आप टीचर है अपने फ़ोन में यही काम कर लेगा, मतलब साइन इन कर लेगा, अकाउंट क्रिएट कर लेगा। जो स्टूडेंट है वो भी अपने फ़ोन में ऐसे ही ऐप डाउनलोड करके साइन इन कर लेगा, अकाउंट क्रिएट कर लेगा। अब ऐसे दोनों लोगों ने कर दिया, अब यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, गॉट इट पे क्लिक कर देना है। अब गॉट इट पे करेंगे तो देखिए यहाँ से आप अपना अपलोड कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे सरनेम दिखाएगा, जो भी रखना चाहें रख सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, आप देखिए यहाँ से क्या ऑप्शन आ रहा है, इन्वाइट अदर्स या फिर नॉट नाउ पे हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से देखिए आपको ऐसा ओपन होकर आ चुका है। अब यहाँ से आप रेडी हो चुके हैं, आप जो भी करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। आप देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे यूज़ करना है इसको। सबसे पहले देखिए यहाँ पे चैट का ऑप्शन आता है, आप चैटिंग कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ से टीम है, जो भी आपका टीम है यहाँ से टीम को दिखेगा आपका। यहाँ से कॉल कर सकते हैं आप, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, या जो भी करना है कर सकते हैं। यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपने फाइल्स, कैमरा, विकिपीडिया से भी ये सब कर सकते हैं। अब चलिए मैं इन्वाइट करता हूँ, आप देखिए आपको कैसे यूज़ करना है। अगर आप टीचर हैं तो क्या करेंगे, या फिर अगर आप मीटिंग ले रहे हैं तो आपको क्या करना है। अब देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको इनवाइट करना है। तो सबसे पहले ये एक्टिविटी जो यहाँ पे लिखा है, तो एक्टिविटी पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, प्लस के साइन पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से जिसको भी इनवाइट करना चाहते हैं, जितने लोगों को इनवाइट करना चाहते हैं उन सभी का यहाँ पर ईमेल एड्रेस आपको डालना है। तो चलिए सबसे पहले ईमेल एड्रेस डाल देते हैं। अब देखिए आप, मैंने यहाँ पर ईमेल एड्रेस डाल दिया। अब यहाँ पर प्लस के साइन पर आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करेंगे तो यहाँ से उनको इनविटेशन चला जाएगा, जिसको भी आप करना चाहते हैं। देखिए अब यहाँ से उनको इनविटेशन चला गया है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, बैक आ जाना है। अब बैक आ जाएंगे तो देखिए कुछ ऐसा दिखेगा। अब मैं आपको दूसरा फ़ोन लेता हूँ, जैसे मान लीजिए ये टीचर का फ़ोन था, अब मैं स्टूडेंट का फ़ोन लेता हूँ। इसमें आपको मैं करके दिखाता हूँ कि कैसे करना है। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट को इनविटेशन आ चुका है। अब यहाँ से उस पर मेल पे क्लिक करके, अब यहाँ से मेल पे क्लिक करके देखिए उसको क्या करना है, यहाँ पे ज्वाइन टीम्स लिखा है तो इस पर वो क्लिक कर देगा। यहाँ पे क्लिक करेगा तो देखिए कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा, कुछ सेकंड का टाइम लेगा ये। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है कि एक्सेप्ट करने का, तो यहाँ से एक्सेप्ट कर लेगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ सेकंड का टाइम लगेगा उसको भी। यहाँ सबसे पहले उसको भी जो मैंने प्रोसेस बताया वो प्रोसेस पहले से करके रखा होना चाहिए, कि यानी कि अकाउंट वगैरह बना करके जो टीम ऐप है उसको डाउनलोड करके रखा होना चाहिए पहले से। अब देखिए यहाँ से अपने आप ऑटोमेटिक ये लॉगिन हो चुका है। अभी देखिए इट लुक्स लाइक्स यू आर ट्राइंग टू साइन इन टू अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस डालना है, आप तो जो आपने क्रिएट करा है इस वाले फ़ोन में उसका ईमेल एड्रेस डाल दीजिएगा। अब आपने अपना ईमेल एड्रेस डाल दिया, यहाँ पे साइन इन पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए आपका पासवर्ड मांग रहा है, तो आप अपना पासवर्ड वगैरह भी डाल देंगे। तो यहाँ से आपको अपना पासवर्ड डाल देना जो आपने क्रिएट किया था। अब आपने पासवर्ड डाल दिया तो यहाँ पे साइन इन पे क्लिक कर देंगे। आप साइन इन पे क्लिक करेंगे तो कुछ सेकंड का टाइम लेगा लोड होने में। लोड होने के बाद यहाँ पे यू आर साइनिंग इन। अब देखिए यहाँ से कोलैबोरेट विद अदर सेंसियर फाइल्स इन चैनल्स, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पे करना है, यहाँ पर गॉट इट पे करना है, यहाँ पर भी आप नेक्स्ट कर देंगे, यहाँ पर नॉट नाउ कर दीजिएगा। आप देखिए यहाँ पे एक्टिविटी में आपको दिखेगा, यहाँ पे एक्टिविटी पे आप क्लिक करेंगे। देखिए आपने ऐसा कर दिया। अब यहाँ से देखिए हिमांशु एडेड यू टू वायरलपुर, अब यहाँ से ऑप्शन आ चुका है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्लिक हो चुका है। अब आपको क्या करना है, अगर आप टीचर हैं तो टीचर वाले पे आना है, यहाँ पे चैट पे क्लिक करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप चैट पे क्लिक करेंगे, जैसे चैट पे क्लिक कर दिया, अब जिसको आपको चैट करना है उसका ईमेल एड्रेस या जो भी है ईमेल एड्रेस डालेंगे। तो चलिए यहाँ से डाल देते हैं। अब देखिए जैसे मैंने उसका नाम लिखा है, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ आपको, जैसे मैंने नाम लिखा, अब देख लीजिए जैसे मैंने उसका नाम लिखा तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया, यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा। अब क्लिक करके यहाँ से देखिए, अब या इसको जो भी यहाँ से चैट करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो भी लिखूंगा हाय, तो जैसे मान लीजिए मैंने हाय लिख दिया तो उसको भी यहाँ पे हाय का मैसेज चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पे चैट में हाय आ चुका है, तो आप दिखा देता हूँ आपको, इसको भी हाय आ चुका है। अब जो भी फाइल वगैरह भेजना हो, जैसे मान लीजिए अब यहाँ से आपको जो भी फोटो वगैरह भी भेजना हो तो अलाउ कर दीजिएगा। अब यहाँ से देखिए जो भी फोटो वगैरह कुछ भी भेजना हो तो यहाँ से आप भेज सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मुझे ये भेजना है तो यहाँ से अटैच फाइल कर दूंगा, तो यहाँ से देखिए फाइल यहाँ से आप सेंड कर सकते हैं।
अब आपको मैं बताऊंगा स्क्रीन शेयर कैसे करते हैं या फिर आपको टीचर हैं तो कैमरे के मदद से कैसे पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए इस पे ऑप्शन आएगा यहाँ पे वीडियो कॉलिंग का, तो इस पे आप क्लिक करेंगे, अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद देखिए आपको क्या करना है, उससे पहले आपको ऑडियो को म्यूट करके रख लेना है। मैं रख लेता हूँ नहीं तो आपको दिक्कत आ जाएगा। अलाउ टीम्स टू रिकॉर्ड ऑडियो, तो यहाँ मैं अलाउ कर दूंगा। अब यहाँ से कॉलिंग जा रहा है, तो अब जैसे देखिए यहाँ पे उस पे कॉलिंग आ गया है, तो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे देखिए एक्सेप्ट हो चुका है, तो अलाउ कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे एक कॉलिंग हो चुकी है, यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे अब मैं जो भी दिखूंगा अब मैं अपने आप को दिखाऊंगा तो ये दिखेगा, इसमें देख सकते हैं आप। अब आपको क्या करना है, बैक कैमरे से पढ़ाना, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो बैक कैमरा भी ऑन हो जाएगा। तो यहाँ से आपको ये चीज़ें हो सकती है, यहाँ पे देखिए थ्री डॉट पे आप क्लिक करेंगे, थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे अभी आप यहाँ पे अपना स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन भी शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए अगर PDF फाइल से पढ़ाना चाहते हैं, किसी भी जैसे पेनटैब वगैरह से पढ़ाना चाहते हैं, पेनटैब का लिंक वगैरह भी मैंने पिछले वीडियो में दे रखा है, पेनटैब वगैरह भी खरीद सकते हैं। तो यहाँ से पढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, शेयर के बटन पर आपको क्लिक करना है। शेयर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखिए शेयर पावर पॉइंट, अगर पावर पॉइंट से पढ़ाना चाहते हैं पावर पॉइंट शेयर कर सकते हैं, फोटो शेयर कर सकते हैं, या फिर यहाँ से शेयर स्क्रीन का बटन आएगा तो स्क्रीन पे आप क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन आ चुका है टीम्स, यहाँ पे देखिए अलाउड डिस्प्ले ओवर अदर ऐप्स, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं कि दूसरे ऐप्स के ऊपर आप अलाउ करिए, यहाँ पर ऑन कर देंगे। अब देखिए यहाँ से बैक आ जाएंगे, यहाँ से बैक आ जाते हैं, यहाँ पर फिर से यहाँ पर थ्री डॉट पर आपको क्लिक करना है। देखिए जो आपने कॉल लगा रखा है एक बार कॉल पे आपको वापस आ जाना है, यहाँ पे आने के बाद देखिए थ्री डॉट पे क्लिक करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है, यहाँ पे शेयर के बटन पे फिर से क्लिक कर देंगे, यहाँ पे शेयर स्क्रीन पे हम कर देंगे। यहाँ पे देखिए अब यहाँ से जो भी चीज़ें मैं इस फ़ोन में होगा ना वो दूसरे को दिखेगा, स्टूडेंट को। अब यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, डोंट सो अगेन, यहाँ स्टार्ट नाउ कर देंगे। अब यहाँ से देखिए जो भी स्क्रीन पे हो रहा है ना यहाँ से, तो अब आपको यहाँ पे से होम बटन पे क्लिक कर देना है, होम बटन पे आप क्लिक कर देंगे। अब देखिए मैं आपको दूसरा फ़ोन ले आके दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में सेम चीज़ें दिखाई दे रही है। अब देखिए मैं इसको ऐसे मूव करूँगा तो इधर मूव होगा, अगर इस फ़ोन में मैं अगर कोई PDF फाइल ओपन कर लेता हूँ, जैसे मान लीजिए कोई PDF फाइल से अगर मैं टीचिंग करना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं PDF फाइल एक ओपन कर लेता हूँ, जैसे मान लीजिए कोई, चलिए मान लीजिए मैं इसको PPT फाइल ही ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद देखिए सबसे पहले ये क्या हो जाएगा, कुछ सेकंड का टाइम लेगा। अब देखिए PPT फाइल को यहाँ से स्लाइड शो ऑन कर देता हूँ, आपको नहीं पता ये कैसे करते हैं तो आप इसको देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ से मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो देखिए यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पे मैं टैप करूँगा, देखिए यहाँ पे आप टैप करेंगे तो यहाँ सोलर सिस्टम वगैरह आ जाएगा, तो जो भी आप पढ़ाएंगे यहाँ भी पढ़ेगा। तो ऐसे करके आपको इसको यूज़ कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना।